तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर गेनर में। मैं इसके पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोगों का कई दिनों से मैसेज आ रहा था WhatsApp पे, टेलीग्राम पे, तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड इश्यूज़ आप लोगों को आ रहे हैं और काफ़ी लोग जो है कि डॉक्यूमेंट में छट गए हैं, और इस सारे प्रॉब्लम को जो है हम आज देखने वाले हैं इसमें, और देखिए क्या क्या आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है इस डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इसमें वीडियो को। आपको आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम ये भी बात किए हुए हैं कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट बनवाना है, और आपको इसमें नमूना भी हम दिखाए हैं कि इस टाइप का वहाँ अगर आपका है इस टाइप का डॉक्यूमेंट बना हुआ तो ये आपके लिए है। तो देखिए सबसे पहले है कि 10वीं एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड BSF द्वारा जारी किया गया है, वो एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद 10वीं और 12वीं के मूल प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं। अगर आपने 10वीं क्वालिफिकेशन दिया है तो आपको 10वीं के सारे जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। अगर आपने उसमें 12वीं या BA या ITI दिए हुए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ID प्रूफ आपको लेके जाना है, आधार, पैन, वोटर कार्ड, ठीक है ना, आपका जिस पे आपका उस पे फ़ोटो हो जो आपको प्रमाणित करे, उस पे अच्छा से आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम मिला लीजिएगा, सही होना चाहिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, EWS और OBC जो हैं वो NCL बनवा के लेके जाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक ना, क्रीमी लेयर उनको नहीं बनवाना है, नॉन क्रीमी लेयर उन्हें बनवाना है। और ये जो है कि सेंट्रल का होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र, और OBC केंद्र का जाति प्रमाण पत्र, और 6 से 8, ठीक ना, 6 से 8 जो है कि आपको फोटो लेकर जाने हैं, और L डॉक्यूमेंट का जो है ना दो दो फोटो कॉपी आपको कर लेना है। और इसमें 2 ईयर का अनुभव प्रमाण पत्र, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों को मांगा गया था कुक का या और जो अदर है कुक का, उसका जो है कि 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। बहुत सारे बंदे हैं जो 1 साल का लेके चल जा रहे हैं जिसके कारण वो छट जा रहे हैं, तो आप लोग 2 साल वाला होगा वही लेके जाना है, 1 साल वाला वैलिड नहीं है। और देखिए सेंट्रल का जो है कि आपको नॉन क्रीमी लेयर बनवाना है और जाति बनवाना है, तो उस पे देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, भारत सरकार के सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार द्वारा आवेदन संबंधित प्रमाण पत्र, ठीक है। तो आपको वहाँ पे भारत सरकार लिखा है तो आपका सही है, वो आपका केंद्र का हो गया। अगर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो ये जो है कि ये मायने नहीं है, तो आपको देख लेना है कि वहाँ पे आपके NCL पे क्या लिखा हुआ है, EWS पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र आपको केंद्र का कैसे बनवाना है हम आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए ये वो फॉर्मेट है, ठीक है, OBC का, जिस पे आपको जाति बनवाना है। देखिए यहाँ आपको नाम, विलेज, अपना पता उता भर लेना है, और इसका जो है कि हम आई बटन में या लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है कि इसका वीडियो का हम दे देंगे, एक वीडियो हम पहले डाले हुए हैं SSGD में जब लग रहा था, सेम है, और उसको जाके देख लीजिएगा उसमें कैसे भरना है कैसे बनवाना है, वहाँ पे हम बताए हुए हैं OBC SC ST जितने हैं। और देखिए SC ST के लिए ये फॉर्मेट है, उसमें आपको भर के, और ये सेंट्रल वाला है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बनता है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन बनवा सकते हैं। और ये आपको कहाँ PDF मिलेगा, आपको टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा नीचे, और टेलीग्राम लिंक से जाना है और आपको टेलीग्राम पर से ले लेना है। और आप लोग के कुछ सवाल थे जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि सेल्फ अटेस्टेड क्या होता है, तो देखिए सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपको स्वयं से प्रमाणित करना, ठीक है। तो आपको जैसे कि फोटोकॉपी जो आप डॉक्यूमेंट वहां आपसे जमा करवाया जाएगा, फोटोकॉपी लेके जाएंगे, तो उसके नीचे आपको सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके उसके नीचे आपको सिग्नेचर जो है कि डेट लिख देना है, ठीक ना, तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो गया, ठीक है। और चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाना है या नहीं, तो देखिए दोस्त चरित्र प्रमाण पत्र जो है कि अभी इसका मांग नहीं है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको ज्वाइनिंग के समय लिया जाएगा, जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा उस समय आपसे मांगा जाएगा, अभी इसका कोई ज़रूरी नहीं है। कौन से दस्तावेज लेकर जाना है तो आपको बता दिए उधर में, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए, तो आपको जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल का लेके ही जाना है, क्योंकि आप स्टेट का अगर लेके जा रहे हैं तो काफ़ी बंदे छट जा रहे हैं, और यही वो मेन कारण है कि बहुत सारे बंदे जो है कि हर सेंटर पे अधिक से अधिक इसी में छट रहे हैं, और वो उनको पता नहीं है, और वो जो है कि देख नहीं रहे हैं, और स्टेट वाला ही जो बनवा ले रहे हैं अपने तहसील से और वही लेके चल जा रहे हैं। और 1 साल वाला अनुभव प्रमाण पत्र जो है ये मायने नहीं है, आपको 2 साल का उसमें दिया हुआ था नोटिफिकेशन में, आपको 2 साल का ही लेके जाना है, वही मायने है,
केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, तो इसके लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कैसे, मतलब कि, और आपको बता दिए हैं कि, और पीडीएफ के लिए जो है उसका फॉर्मेट के लिए ऑफलाइन अगर बनवाना चाहते हैं आप तो फॉर्मेट के लिए आप टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके उस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा OBC SC ST। और रनिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए रनिंग के लिए आपसे जो है कि 4 बजे से अंदर इन करवाने लग रहे हैं और आपका जो है फर्स्ट बैच 7 बजे तक दौरा दिया जा रहा है। और अगर आप लोगों के पास अब कुछ और डाउट बच गया हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर एक ही कमेंट आते हैं तो हम आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे उस पर, नहीं तो आपको हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे 24 घंटा के अंदर। तो अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा, और आपको जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप इस तरह के फॉर्मेट जाके डाउनलोड कर लीजिए और इसे बनवा लीजिए। आपको अपने तहसील में जाके बनवाना है और वहाँ से जैसे बन जाएगा उसके बाद आपका जो अनुमंडल है वहाँ पे अप्लाई कर देना है, अनुमंडल में बनने के बाद आपको DM के पास जाकर के बनवा लेना है। आप DM के पास नहीं बनवाएंगे तो चलेगा, लेकिन अनुमंडल तक आपको बनवा लेना है। तो कैसा लगा ये वीडियो, अपना राय जरूर दें, कॉमेंट करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर मैसेज करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की जानकारी पाने के लिए और अपडेट रहने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना। हाँ, फिजिकल रिलेटेड और टेस्ट रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और दिक्कत है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, पूरा डाउट क्लियर किया गया है कि आपका टेस्ट कैसे हो रहा है और फिजिकल रिलेटेड पूरी जानकारी।